हे एवरीवन, सो हम जा रहे हैं फतेहपुर सिकरी। पिछले व्लॉग में हम लोग ताजमहल देख लिया है, अभी चलो चलते हैं फटाफट और जाते हैं 1.5 आवर्स ड्राइव टू फतेहपुर सिकरी और फिर चलो मिलते हैं फतेहपुर सिकरी में। सो लेट्स गो टुगेदर। तो हम पहुंच गए हैं, तो ये देखिए इधर गाड़ी छोड़ के हमको चल के जाना पड़ रहा है। हमने गाइड भी ले लिया है, दीज आर ऑल मार्केट प्लेसेस, आप शॉप कर सकते हो। तो हमारी गाइड ने बोला फटाफट चलिए क्योंकि बस खड़ी है, ये देखो बस खड़ी है। हम अभी बस में बैठ के 30 रुपीज पर टिकट जा रहे हैं इनसाइड फतेहपुर सिकरी, और क्योंकि वहां पे बाहर का व्हीकल्स नॉट अलाउड। तो हमारा जो गाइड है देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा है, तो चलिए उनसे हमने बोल दिया है कि डिटेल में हमको बताएंगे द हिस्ट्री ऑफ फतेहपुर सिकरी, सो दैट मैं भी जान सकूं, आप भी जान सके। क्योंकि अगर आपको नहीं आना है फतेहपुर, तो एटलीस्ट आप यहां से ही जान पाओगे द हिस्ट्री ऑफ फतेहपुर सिकरी। तो चलिए चलते हैं एक साथ फतेहपुर सिकरी, सुनते हैं द स्टोरी द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस। का नाम है फतेहपुर सिकरी, फतेह में जीत का निशानी, सिकरी ओल्ड सिटी लोकल विलेज। यहाँ अकबर से पहले अकबर के ग्रैंडफादर आए थे जिनका नाम था बाबर। बाबर काबुल से आए थे, कंबोज से, उनको यहाँ पर बुलाया गया था, आए नहीं थे। जो राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच में, राणा संग्राम सिंह और उनके बीच में दुश्मनी था, तो उस जमाने में फाइट हुआ था 1526 में पानीपत के बीच में। जब उस जमाने में इकट्ठा किया गया सारे लोगों को, तो ये पूछा गया मुझे ऐसे यहाँ अकबर जो थे तीसरे मुगल थे, जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये तीसरे मुगल की निशानी है। फर्स्ट मुगल बाबर, सेकंड मुगल हुमायूं, हुमायूं के लड़के थे अकबर। अकबर के पास तीन क्वीन थी, तीन वाइफ, तीनों वाइफ अलग अलग धर्म से थी, हिंदू मुस्लिम ईसाई। तीनों रानियों से कोई चाइल्ड नहीं था, बच्चा नहीं। ये पूरा एम्पायर अकबर ने अपने बच्चे की खुशी में बनाया। तो यहाँ आप जो बैठे हैं इसको सिकरी बोलते हैं। सेकंड पार्ट आउटसाइड द बुलंद दरवाज़ा उन्होंने वहाँ पर बनाया। तो राणा संग्राम सिंह उस जमाने में उनसे एक फाइट लड़ा था 1527 में खांडवे के मैदान में। खांडवे का मैदान यहाँ से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे है। उस जमाने में यह एग्रीमेंट हुआ था कि आप मेरी खातिर फाइट लड़ोगे, जिससे जो माल आएगा आधा आधा से लूँगा। और कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा मैं तुमसे फाइट लड़ूंगा, तो फाइट हुआ था। दो बार बाबर हारे थे, तीसरे राउंड पे जीते थे जब तोप के साथ आए थे। यहाँ से मुगलों की शुरुआत हुई थी। तो इंडिया और भारत के नाम से कोई नहीं समझता था, उस जमाने हिंद के नाम से जाना जाता। तो फतेहपुर सिकरी जिस जगह है, ये दीवाने आम लोकल पब्लिक की साइड बैठते थे, जालियों का सेक्शन इस वजह से लगाया सर, कोई यहाँ आके हमला नहीं कर दिया। पार्लियामेंट हाउस, यहाँ पर अकबर किंग सारे फैसले करते थे। ये महल आपको यहाँ से देखने में डबल स्टोरी है, मगर अंदर जाके देखेंगे आप सिंगल स्टोरी है, बीच में कोई छत नहीं है। इसी पे एक अकबर का सिंहासन है जिस पे किंग अकबर बैठते थे। तो अकबर ने इसमें एक धर्म बनाया था, आप लोगों ने कभी सुना हो, दीने इलाही। दीने इलाही, हाँ। इलाही माने आदेश, दीन माने धर्म। तो यहाँ पर उस जमाने में यहाँ के नीचे की साइड में 4 गेट हैं, 4 दरवाजे, ऊपर की साइड में 10 दरवाजे हैं। 9 गेट 9 मिनिस्टरों के लिए थे, 1 गेट अकबर किंग के लिए था। अकबर बीच में बैठते थे, अगल बगल मिनिस्टर लोग बैठते थे, और वहीं से अकबर ने सारे धर्म को लागू किया। यहाँ बैठते थे, ये ऊपर जाने की डोर है, दरवाजे यहाँ से निकल के सीधे अपने डोर से इस पे सिंहासन पे बीच में घुसते ही थे द पर्शियन मुस्लिम, पर्शियन तुर्की इस्तांबुल, आर्किटेक्चर गॉड इन द चर्च, उसके नीचे बुद्धिस्ट, इसके नीचे हिंदू आर्किटेक्चर, इसके नीचे मुगलिया आर्किटेक्चर, दीन इलाही। 16 साल भी धर्म चला, 16वीं साल 11वें महीने पे जहांगीर यहाँ के राजा। पहला नाम उनका जहांगीर नहीं था, पहला नाम उनका सलीम। सलीम के बाद उन्होंने महारानी जोधाबाई ने पहला नाम अपने गुरु के नाम पर दिलाया था सलीम, और सलीम का ही नाम था जहांगीर। जहांगीर की खुशी में पूरा एम्पायर बनाया गया।
ये जगह अकबर ने कोई जंग या फाइट के लिए नहीं बनाई थी, ओनली अपने बेटे की खुशी में बनाई। वाटर लैक जिसके अंदर 34 वाटर आज भी भरा हुआ है। इस बिल्डिंग आर्किटेक्चर अब्दुल फजल फैजी फ्रॉम ईरान, प्रॉब्लम बहुत था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे 52 टैंक बनाए गए ऑल सिटी वॉल के अंदर। वहाँ से स्टार्टिंग होता है सिटी वॉल, जो आप गेट देख रहे हैं रेड कलर का ऊपर आबादी के बीच में। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ये आप जिस जगह खड़े हैं यूपी है, उत्तर प्रदेश, और वहाँ जो सामने नज़र आ रहा है राजस्थान बॉर्डर है भरतपुर। अच्छा हाँ, और इस साइड द खानुए का मैदान जो फर्स्ट फाइट बाबर और राणा संग्राम सिंह। ये हॉल है, उस जमाने में रानियां यहाँ लुका छुपी खेलती थी, आप एंजॉयमेंट अपनी अपनी दादी के साथ एंजॉय करती थी। अगर तीनों रानी को तीन हॉल बना के शायद सबका ये कहता है डिजाइन आर्किटेक्चर में फर्क। तो इसका दूसरा नाम से दूसरा नाम अकबर ने इसका नाम दिया था फजाना महल। एक अकबर ने स्पेशल बाजार बनाया था, उस बाजार का नाम था मीना बाजार। मीना बाजार से जो इनकम होती थी वो रानियों के पॉकेट में नहीं जाती, राजा के पॉकेट में नहीं जाती थी, ओनली स्पेशल था रानियों के पॉकेट। तो यहाँ पर अपने पर्सनल स्टॉकिंग द मनी कनेक्ट करते थे, इसलिए थे कि अर्थव्यवस्था कभी कमजोर पड़े तो रानियों से हेल्प ले। अकबर के ज्योतिष की छत्री, अकबर के ज्योतिष थे प्रतिदिनदार, अकबर के ख्वाबों का उत्तर दिया करते थे। जो रात में सपने होते हैं ना ड्रीम्स, उनका यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पर ज्योतिष प्रतिदिनदार बैठते थे और अकबर के वो सामने ख्वाब घर है जो अभी आपको मैं करीब जाके दिखाऊंगा, वहाँ से चल के यहाँ आते थे ज्योतिष के पास। अकबर ने अपनी रानियों के कहने पर सबसे पहले दो काम पहले कराए थे, एक वाटर टैंक बनवाया था और एक शाही गरीब खाना। गरीब खाना के लोग मेरे गुरु के मेरे शासन में यहाँ आए तो यहाँ से भूखे नहीं जाए, उनको खाना फ्री मिले, तो वो आज भी फतेहपुर में अवेलेबल है, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। और ये उस जमाने का अस्पताल है हकीम हाउस, यहाँ फ्री में इलाज थे कि शहर करो तो चमन की करो, कि शहर करो तो चमन की करो, बाजारों में क्या रखा है, और कत्ल करो तो निगाहों से करो, तलवारों में क्या रखा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। वे निकलता है जमी को तपना पड़ता है, निगाहें तो मोहब्बत करती हैं दिल को तपना। पर वो गेम होता था उस जमाने में, गोटियां लगती थी मगर गोटियां नहीं थी मैम, उस जमाने में दासियां थी। कलरफुल ड्रेस बना के उनको खड़ा किया जाता था, बीच में अकबर किंग बैठते थे और रानी उनके साथ, फिर वो चाल चलते थे। तो यहाँ चेस होता था, तो जो हार जीत होने के बाद रानी बड़ा सुंदर जवाब उनसे देती, अकबर के साथ ऊपर पोर्ट पे यहाँ सैर करने जाती थी एंजॉयमेंट। ये देखिए ये अकबर का सबसे खास पॉइंट है पंचमहल, 176 पिलरों पे बना हुआ है, इसमें कोई दीवार का सपोर्ट नहीं है। ये उस जमाने का सबसे खूबसूरत महल है जो 5 मंजिल ऊँची इमारत बनाई गई थी और ओनली पिलर से पिलर, दीवार का कोई सपोर्ट नहीं, तो यहाँ से पूरा शहर नजर आता था। दूसरा नाम इसका हवा महल है, इसको रानियाँ अपने पर्सनल काम में भी इस्तेमाल करती थी। मुस्लिम रानी ईद का चांद दे के करती थी, महारानी जोधाबाई सूरज को जल दिया करती थी कभी कभार, और मरियम यहाँ से सनलाइट लिया करती थी। उर्दू अरबी फारसी सेकुल इस्लाम, यहाँ एक स्कूल बनाया गया था जो गरीब बच्चों को फ्री में आज भी फतेहपुर में पढ़ाया जाता है। तो समर टाइम गर्मी के टाइम में नीचे रहते थे, सर्दियों में ऊपर रहते थे, समर और विंटर। वो उनका लाइब्रेरी है जहाँ किताबें रखी रहती थी, तब नहीं होना था नहीं होना था, हाँ। लेकिन हो गया प्यार, हाँ। वो यहीं से हुआ। एक पढ़ा गया था दीपक राज, तो एक पढ़ा गया था मेघ मलहा, तनन्ना ना 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 सा तनन्ना ना ना, वो यहाँ हुआ। अकबर के सबसे फनकार संगीतकार बैजू बाबरा तानसेन यहाँ बैठते थे, और वहाँ अकबर सिंहासन था, वो अकबर का पिलर्स पे वहाँ अकबर बैठते थे, वहाँ से बैठ के सूफी साउंड मैक मलहा ये सब सुनते थे।
जो आपने सुना हो दीपक राज जो दिए जला दिए थे, रुकैया दिए जला दिए थे, रुकैया बेगम इस्तांबुल से थी, अकबर ने उनको शीश महल बना के गिफ्ट किया। ये शीश महल है, इसमें चारों साइड में ग्लास शीशे डायमंड हीरे लगे हुए थे। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये अनार है और ये मीन्स अंगूर, और ये देखिए आर्किटेक्चर मीना कारीगरी। छत देखिए जैसे ऐसे कहीं आपने बड़े बड़े शाही दरवाजे देखे हों, उस वो डिजाइन है। इसका अंदर का दिखाता हूँ वाली स्मॉल साइज डायमंड हीरे, ये छोटे छोटे हॉल्स नहीं जा रहे हैं अलमारी के ऊपर, इस पर डायमंड लगी हुई थी हीरे। और इसमें अपने रानी पर्सनल क्वीन डायमंड के रिंग्स वगैरह सारी सामान इसी में जमा करता है। बड़ा है वो है, इसको बनने में भी टाइम लगता है। ये उस देखिए अकबर किया था उन्होंने गुरु की दरगाह पे, जो मुझे चॉइस हो तो उसके लिए मैं अपने गुरु की दरगाह पे जब जाऊं तो नॉर्मल पानी से नहा के नहीं जाऊं, अपने हिसाब से अपने धर्म के पानी चिकन मटन से ठीक रहता था, मगर अकबर के साथ दो वाइट खाना खाती थी, एक वाइट पीटर महारानी जोधाबाई, वो फुल वेजिटेरियन थी, उनका धर्म नहीं खराब हुआ, उनके दिल को ठेस नहीं पहुँचे। तो स्पेशल पॉइंट अकबर ने उनके लिए प्योर वेजिटेरियन किचन बना के गिफ्ट किया। तो यहाँ पर उनका दस्तरखान लगता था और यहीं पर उनके ड्राई फ्रूट रखते थे, जितने ड्राई फ्रूट थे सारे बाहर से आते हुए। ये उस जमाने का शाही महल है जिसमें अकबर किंग सोते थे। इस महल का नाम है शाही तख्त अकबर का शाही बेडरूम जिसपे अकबर किंग सोते थे। मुगलिया संसद में अगर किसी ने सबसे बड़ा तख्त बनवाया है वो अकबर का। ये 10x10 का है, 10x10 का, इसी पे अकबर किंग सोते थे। नीचे की साइड में सेफ्टी के लिए वाटर रहता था कि कोई उसमें आके हमला करे तो वो ठंडाई का भी काम करता था और महल में सेफ्टी का भी काम करता था। अकबर ऊपर रहते थे और तीनों रानियां एक डोर से आने का परमिशन नहीं था। दूसरी रानी इस तरफ से आती थी, मरियम अभी आप महल देखेंगे इस तरफ से आती थी, महारानी जोधाबाई इस तरफ से आती थी। तीनों रानियां अलग अलग डोर से आती थी क्योंकि उनके सिक्योरिटी का मसला। इसी के साथ फतेहपुर सीकरी का कहानी हम आधा अधूरा छोड़ के जा रहे क्योंकि बहुत लंबा हो गया है व्लॉग, पर जाइएगा नहीं, सैटरडे को वापस मिलते हैं क्योंकि हमको अभी भी जानना है बुलंद दरवाजे के बारे में, सलीम चिश्ती के बारे में और जमा मस्जिद के बारे में, तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तो बने रहिएगा ऑन सैटरडे विथ मी फतेहपुर सीकरी।